और ये चलते हैं घूमने के लिए, थोड़ा सा घूम घूम के आते हैं, फिर सूरज हो जाते हैं। सो है गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह का गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हम लोग आ रहे थे मैजिक से, तो मैजिक से आते आते हमारा स्विच ऑफ हो गया था मोबाइल ना, तो उसी पे वीडियो ऑफ हो गया था। और अभी मैं घर पर आ चुका हूँ, घर पर आ चुके हैं हम लोग, मैं, भैया और मम्मी। तो भैया चले गए हैं अपने दीदी घर, अभी बज गए हैं करीबन 8। और अभी मैं उठा हूँ और मोबाइल चार्ज में नहीं था तो चार्ज में लगाया फटाफट, और एडिटिंग नहीं कर पाए तो वीडियो थोड़ा रुक के पोस्ट करना पड़ेगा। तो इधर आया तो देखा काफ़ी बदलाव हो गया है। अब पहले तो मैं नहा लेता हूँ, क्योंकि नहाऊँगा फ्रेश व्रेश होकर, फिर उसके बाद अपने दोस्तों से मिलूँगा और आप लोगों को मिलाऊँगा। और अभिषेक से भी मिला रह गया है तो उससे भी मिलेंगे, तो बहुत दिन के बाद कुमकुम मानवी से भी आप लोगों को मिलाते हैं। वहाँ पर वीडियो लेट से पोस्ट करता था और कभी करता नहीं था, क्योंकि वहाँ पर बैटरी चार्ज नहीं होती थी और चार्जर भी बहुत ख़राब हो चुका है, तो अब डाटा केबल भी लेना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं आप लोगों को मानवी कुमकुम और अपने घर का थोड़ा सा यहाँ का दिखा दें, क्योंकि क्या परिवर्तन हुआ है महीना डेढ़ महीने के अंदर दिखाते हैं। तो ये मेरा कमरा है और यहीं पर सब बैग वैग रख दिया, ये देखिए सब बैग यहीं पर हैं और पहले की तरह नहीं है। अब इसको साफ़ सुथरा करके फिर यहाँ पर अपने सोने लायक बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारी फरारी, बहुत दिन के बाद इसको मैंने साफ उफ किया, बहुत कचरा हो गया था। और ये सब तो देखिए कैसे हो गया, और घर भी बहुत मस्त लग रहा है। और ये देखो, ये दोनों हम उन्हें यहाँ पर सोए हुए हैं पहले की तरह, हमेशा ये लोग हमेशा पहले की तरह सोते रहते हैं, कोई काम तो है नहीं। अच्छा, मैं गया था इतना दूर और ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, टाइम पे पोस्ट भी नहीं कर पाया, तो उसके लिए सॉरी। अगर आप नेक्स्ट टाइम जाऊँगा ना तो पूरा यहाँ ब्लॉग व्लॉग सब बनाएंगे, वहाँ का देहाती टाइप का गांव में तो मज़ा ही कुछ अलग, मज़ा था पर फुल मज़ा था यार। ब्लॉग नहीं बन पाया इसलिए क्योंकि बैटरी चार्ज और लाइट भी बहुत प्रॉपर थी पर टाइम टाइम टू चली जाती थी, और चार्जर भी पूरा ख़राब हो चुका था। आप लोगों को दिखाता हूँ, तो ये देखिए केबल पूरा कट गया है, ये सब नाश हो गया केबल, तो नया केबल लेना पड़ेगा। रख देते हैं, इस पर रख देते हैं। और जब हम लोग ट्रेन से आ रहे थे ना तो बहुत भीड़ था, आप लोगों ने देख लिया होगा ब्लॉग में, बहुत भीड़ था, बहुत ज़्यादा भीड़ था। और वीडियो उसी के चक्कर में नहीं बना पाया जब आ रहे थे मैजिक से, तो आते 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 स्विच ऑफ हो गई मोबाइल, क्योंकि अब आ रहा टाइम नहीं पास हो रहा था, तो मोबाइल चला रहा था तो मोबाइल चार्ज नहीं किया, हल्का फुल्का किया था, फिर भी बैटरी उतनी पिकअप नहीं दे रही है ना ये मोबाइल। तो हम आ चुके हैं अपने गांव में और अब से रेगुलर पोस्ट होगी ब्लॉग, अब कुछ यूनिक टाइप से और नए तरीके से ब्लॉग शूट करूँगा, ठीक है। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूँ वहाँ का वातावरण, यहाँ का वातावरण, वहाँ से यहाँ का वातावरण बहुत कम्फर्टेबल है, यहाँ ठंडा है। और हम जहाँ गए थे अपने नानी घर, बहुत गर्मी था, बहुत ज़्यादा गर्मी था वहाँ, तो मतलब कि दोपहर में हम निकल ही नहीं सकते, इतना मतलब त्वचा पूरी जल जाएगी, पूरा चल जाएगा ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर पूरा काम वाम चल रहा है, पूरा लोग काम कर रहे हैं, धूप में दोपहर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सर्वप्रथम मतलब कि तैयार हो जाते हैं, रेडी वेडी हो जाते हैं, और उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं, क्योंकि यार कल आते आते गर्मी हो गई और भीड़ भड़क का जानते हैं, भीड़ भड़क का कितना खतरनाक होता है लोगों की गर्मी वगैरह वगैरह। तो अभी हम जाएंगे, नहाते हैं, फ्रेश व्रेश होते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को। फ्रेंड्स, मैं नहा लिया और सुबह नहीं नहाए थे, मैं सो गया था, मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी ना, और कल हम रात को आए थे और जल्दी जल्दी उठ भी गए, तो फिर नींद आया था, पूरा सो गया। तो अभी हो गया शाम और अभी से आ गया घर पर, और देखो इसको पहले ही पता चल जाता कि मैं आ गया हूँ और आ गया घर पर, और ये सब लोग था कहाँ, मैं नहीं था तो चला चलते हैं। तो हम लोग चल रहे हैं घूमने के लिए, ये लोग बैठे हुए हैं, ये कुमकुम बैठे हुए हैं, दीदी बैठे हुए हैं, ये मम्मी। और ये चलते हैं घूमने के लिए, थोड़ा सा घूम घूम के आते हैं, फ्रेश व्रेश हो जाते हैं। फ्रेश व्रेश तो हो गया, नहा लिया हूँ, इसमें भी नहा लिया, सो के उठ के आ रहा, बताओ। हमारे गांव का रास्ता बन गया है पूरा, उस टाइम खटर फटर था, अब सही हो गया पूरा, पीछे भी डाल के बढ़िया कर दिए हैं। मैं जब गया था तो रास्ता नहीं बन रहा था, अब पूरा बन गया है, बढ़िया लग रहा है ना, अब रोज़ भागा करेंगे सुबह सुबह उठते, ठीक है। इसी के लिए जॉगिंग के लिए बहुत अच्छा रास्ता बन गया है पूरा, और पहले तो ठोकर लगने का डर था कि ठोकर लग के हम लोग भाग रहे थे तो ठोकर लग के गिर भी सकते थे, अब पूरा बढ़िया बन गया है। जैसे कि घर, ये रास्ता कहाँ तक गई है, पहुँच के बना रखे हैं, खानपुर तक गई है, खानपुर तक हाँ। और खेत खलियान अभी तक खाली है, कुछ लगाया नहीं अपने खेत में, अभी खाना धानून पानी है ना,
अच्छा पानी नहीं है, तो इतना बढ़िया लग रहा है, मौसम एकदम क्लियर लग रहा है। तो हम अभी जा रहे हैं खानपुर साइड में और थोड़ा वहाँ तक घूम के आते हैं। और बहुत दिन के बाद आया हूँ, करीबन 1.5 महीने के बाद, तो गांव थोड़ा अजीब अजीब लग रहा है, नया नया लग रहा है, तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी। और देखिए सनसेट देखिए खतरनाक लग रहा है हमारे अभिषेक भाई के साथ। बेसिकली रास्ता इतना मस्त हो गया, क्या बताएं, बन गया पूरा। उतना अच्छा से नहीं बना है पर बन गया बढ़िया से। इस रोड पे इतना चलने में मज़ा आ रहा है ना, क्या बताऊँ। अब हम लोग टूशन जहाँ में 10 मिनट लगता था, अब वहाँ हम 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो पौध लगा रखे हैं, देखिए कितनी मस्त लग रहा है पौध, हाय हाय। और हमारे जो नानी घर था ना, वहाँ पर अभी तक धान तक नहीं लगा है, और बीज खरीद रहे थे मौसी घर से। और यहाँ पर कहीं कहीं लग गया है धान, लगता है 80% लग गया है और 20% नहीं लगा है। दादू हेलो, तुम ही कह रहा हूँ आनबो वो केनो नहीं, बहू का कोई चिंता नहीं है, बहू नहीं आएगी ना। अरे बहू लाग क्या फायदा, कुछ नहीं फायदा है, अकेले रहो सही रहो। तो कैसे हो भालो तुम्ही? वो देखा था चाचा को, तो हम भी सोच रहे थे थोड़ा आगे निकल ले, थोड़ा घूम ले, रास्ता बढ़िया बना लिया ना। तो हमें दादू मिले थे, आप लोगों ने देख लिया होगा, और वो अजीब टाइप से सवाल पूछते हैं, क्या बताएं हम। अमरूद की बगिया, अमरूद अभी तक पके नहीं है, हुए नहीं है अमरूद अभी, इसमें तोड़ लिए, तूने सारे तोड़ लिए ना, देखिए अब बताओ इसका मालिक देखेगा तो तुझे कितना पीटेगा, हैं? तोड़ लिया सबने, सबने तोड़ी सबने, टुक टुक भी मक्खन की तरह चल रहा है, बताओ। तो हम आज ना इसको इतनी सुनसान जगह पर ले जाएंगे और इसको वहीं मार के फेंक के आ जाएंगे। से कुछ रास्ते के बारे में बताएगा, बनने के बाद कैसा लगा, तो कैसा लगा हमसे? बढ़िया लगी यार रास्ता बनने से। हाँ, और सब साइकिल में चल रही है, गाड़ी पाड़ी सब सच में। और चल तुझे मोटरसाइकिल सिखाएंगे, ठीक है? तुझे तू तुझे सिखा देंगे, ठीक को मोटरसाइकिल सिखा देंगे, क्योंकि रास्ता बहुत बढ़िया हो गया है और अब इसके लायक हो गई है, मोटरसाइकिल सिखाएंगे इसको। तो देखते हैं कैसे चलाता है मोटरसाइकिल, तो अभी नहीं, कुछ समय लगेगा, ठीक है, कुछ दिनों के बाद। फ्रेंड्स वो टावर देख रहे हैं, टावर के ऊपर लग रहा है कि पूरा सन आ गया, सूरज पूरा टावर के ऊपर आ गया, देखो कैसे लग रहा है मस्त करके। इस रास्ते पे एक गाना गा देता हूँ कि रास्ता नया नया है, मंजिल अब है दूर, रास्ता नया नया है, मंजिल अब है दूर, दोस्त का मार के खोपड़ा फोड़ना है, अब क्या करें हुजूर। गजब बेइज्जती है। तो मैं जब गया था तो इसको बहुत मिस कर रहा था, ये तू कर रहा था मिस? और यार ऐसा लग रहा था कि अभिषेक कब आएगा, वहाँ पर मन ही नहीं लग रहा था। सो हम खानपुर तक तो आ गए थे, अब हम घर जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमारे अभिषेक भाई का दाढ़ी देखिए कितना मस्त लग रहा है, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। सही लग रही है अच्छा, बाकी घर है समझाने से। दाढ़ी देखो कैसा लग रहा है, ए गजब। फ्रेंड्स मैंने सोचा कि उल्टा ब्लॉग बना लिया जाए, थोड़ा उल्टा चल दिया जाए, उल्टा चल के देखते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फ्रेंड्स यार मैं गिर गया, बहुत तेज चोट लग गया, और ये देखिए कमीना दोस्त मदद भी उठाने की मदद नहीं की, पूरा पिछवाड़ा छिल गया मेरा, अब फिर भी उल्टा चल रहा हूँ, मैं नहीं चलूँगा, चलते हैं अब घर चलते हैं। मैं काफ़ी अंधेरा हो गया है और मिलता है कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ, तो आज के लिए इतना ही, बाय। अब से रेगुलर ब्लॉग बनेगा,